सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हेली मदर्स डायरी। तो मैं हूँ अभी गांव में, जैसे कि आपको पता ही है। और कल का ब्लॉग ना अपलोड नहीं हो पाया, मैंने अभी अपलोडिंग में डाल रखा है अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं मेरे फ़ोन में, पता नहीं क्यों। तो अपलोडिंग में ही है अभी। मैं और योशु जा रहे हैं मंदिर में, हमारे ऊपर पे मंदिर है भैरवनाथ जी का। तो पापा वहाँ पर सफाई कर रहे हैं, आज पेंट वगैरह चल रहा है, क्योंकि कल परसों हमारी पूजा भी होने वाली है वहीं उसी मंदिर में, इसीलिए। तो उनको पानी देने जा रहे हैं हम, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा मंदिर भी आज। तो योशु आ रही थी मेरे साथ, लेकिन उसने स्लीपर्स नहीं पहने थे और नंगे पाँव आ रही थी, तो मैंने अभी उसे डांट के भगा दिया। और वो लेके आ रही है स्लीपर्स, लेके आ रही है आगे। ये देखो हाँ, मिल गए स्लीपर्स। हाँ, मिल गए। हाँ तो चलो, कैप क्यों नहीं पहनी आपने? तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आधे रास्ते में, और वो है हमारा घर। और हम यहाँ पे आ गए, और ये इसके नीचे ना रोड है, यहाँ पे नीचे रोड है, ये रोड से ही हम ऊपर आते हैं। तो ये रास्ता है नीचे रोड पे जाने का। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे अखरोट लगे हुए, तो अखरोट दिखा रही थी। ओहो, दिखाती हूँ आप। तो देखो फ्रेंड्स, ये लगे हुए अखरोट, ये ग्रीन वाले। तो ये बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ से ना इतना अच्छा व्यू आता है नीचे। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ ऊपर, तो वहाँ से दिखाऊंगी आपको। जल्दी चलो पहाड़ पे चलो फ्रेंड्स। यशु चढ़ी पहाड़ पे, चलिए हम पहाड़ पे ही हैं, पहाड़ों में ही हैं। देखो तो यहाँ पे व्यू, वो सामने जो मंदिर है ना, हमारा मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर है। तो यशु के चाचा जी भी वहाँ पे पेंट कर रहे हैं मंदिर में, आज मंदिर चमकाने का काम हो रहा है। यहाँ पे ना कल परसों यहाँ पे भंडारा होगा, यहाँ पे इतना। पंडित जी आ गए? हाँ। कौन से पंडित जी? चाचा जी हो, भगवान जी हो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी ऊंचाई है, और यहाँ पे ना बहुत बड़ा पेड़ होगा पहले ना। देखो यहाँ से इतना मस्त व्यू दिखता है, भगवान जी जय हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ गांव में, और देखो आप कितना अच्छा व्यू है, हम कितने टॉप पे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा मंदिर है, और ये फील्ड है मंदिर के पास में। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको, वो देखो नीचे सामने एक गांव है। ये जो रोड है ना, ये गैरसैन वाली रोड है, इस रोड से हम आते हैं ऐसे करके घूम के। तो ये भी मैं भूल ही रही हूँ, ये आगे जाती है सीधे चौखुटिया, और वो उधर पे ये जो पहाड़ है ना, इसके पीछे एक पुल है, उस पुल से हम इधर आते हैं अपने गांव को। और गांव हमारा बहुत टॉप पे है, और आप देख सकते हो कि इसके नीचे कई रोड हैं इस टाइप से ना, सीढ़ी में ये ऐसे ऐसे घूम घूम करके हम टॉप पे आए हुए, बहुत ऊँचाई पर है हम लोग। और आप देखो सामने पहाड़ है, देखो गांव में कैसे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक रुक गई वहां पे, दो ट्रक और बस आ गई। योशु है दादाजी के पास, चाचा जी के पास, वहां पे मंदिर में काम चल रहा है ना। हमारे मंदिर के बगल में ना ये मंदिर भी है, और हमें, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आज ही देख रही हूँ। ये हमारे भगवान जी भी, नागार्जुन भगवान जी भी काम कर रहे ऊपर। यशु भी फुल। तो फ्रेंड्स, योशु आ रही है यहाँ पे, हमारा ये है मंदिर, और यहाँ से वो सामने देखो आप हमारा गांव, ये हमारा घर है, और ऊपर हमारा गांव है। ये ऊपर यहाँ पे ना हमारा पुराना घर भी है, पुराना घर बोले तो जो दादाजी, योशु के दादाजी के पापा जी बोले तो योशु के परदादा जी, उन्होंने बनाया था। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं घर पे, और शायद सीरीज उठ गई होगी, तो यहाँ पे मुझे एक काफल का पेड़ दिख रहा है। तो मैं और योशु जा रहे हैं काफल तोड़ने, चल रहे हो? मैं और योशु जाते हैं काफल तोड़ने, देखते हैं कि नहीं है उसमें, अगर होंगे तो खा लेंगे,
वैसे आते ही हमने बहुत सारे काफल खाए, आपने देखा होगा वीडियो में भी, योशु ने एक थाली भर के काफल पकड़े हुए थे, लिटरली वो आज ही ख़त्म हुए हो इतने दिन से, और मैंने और योशु ने ही खाए हैं वो। तो अभी यहाँ पे ना एक काफल का पेड़ है, देखते हैं कुछ है कि नहीं है उसमें। ओ है, बहुत सारे काफल है, ये देखो फ्रेंड्स, दिख रहे हैं आपको इसमें काफल लगे हुए, ये नहीं मैं चढ़ती हूँ। फ्रेंड्स पहली बार कुछ काफल तोड़े, बहुत खट्टे हैं और अच्छे भी, अच्छा लगा। कभी गई नहीं मैं काफल तोड़ने के लिए ना, जंगल में नहीं गई कभी, हमारे गांव में तो जंगल ही नहीं है और हमारे गाय भैंस तो है नहीं, तो जंगल तो हम जाते ही नहीं हैं। नानी के घर में जंगल गई थी लकड़ी लेने के लिए, मेरी मामी थी तो मामी के साथ जाती थी लकड़ी लेने, वो भी लकड़ियाँ मामी ही काटती थी, मामी गट्ठे बना देती थी, बस मेरा काम था उनको लेके वापस आना। तो अब बनाते हैं थोड़े सा रील, तब जाते हैं घर में। सो फ्रेंड्स दिन के बज गए हैं डेढ़ और खाना बन गया मेरा, तो चावल मेरे बन गए हैं और इसमें बन रही है दाल, दाल बोले तो भट की सब्ज़ी बन रही है, भट की चुड़कानी बोलते हैं इसे हम लोग पहाड़ में, तो वो बना रही हूँ मैं आज। तो खाना बन गया है, अब खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। दादाजी अभी भी वही हैं, दादाजी का आज फास्ट भी है और दादाजी फिर भी मंदिर में ही आज, वहाँ पर सफाई जो 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 काम चल रहा है वो करेंगे। सो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं, 5:17 हो रहे हैं और योशु दादी दादा तीनों हैं मंदिर में। बारिश आने वाली है बहुत तेज, मैं वेट कर रही हूँ कब आएंगे वो लोग, आ जाएँ जल्दी तो ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी आने वाली है, बारिश में कहीं भीग ना जाए योशु। सो फ्रेंड्स हमारी जो बिल्ली है ना म्याऊं, अभी दो बच्चों को तो लेके आ गई अपने और एक उधर ही रह गया, मैं भी नहीं निकाल पा रही हूँ उसको, क्योंकि मेरी जो म्याऊं है ना छोटी सी म्याऊं, ये रोती जा रही है। तो फ्रेंड्स हो गई है रात और अभी खाना तो नहीं खाया है, अभी योशु कर रहे स्टडी। तो आज के ब्लॉग को ही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तो तब तक ले बाय बाय।